मैं गौतम सिंह राजपूत, मगैया जवान। मेरी बात सुन, तेरी खुद की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, क्योंकि तुझे कल 5 बार भगाया गया है। मैं भगवाया हूं कितनी बार, तो उसके बाद भी तू बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था। कल रात में लास्ट टाइम मैंने होटल की सिक्योरिटी से इसको बाहर निकलवाया है, फिर भी कल 6वीं बार वापस ऊपर आया है। एक और नया कांड भोजपुरी इंडस्ट्री में होने जा रहा है, मगहिया जवान के गौतम सिंह राजपूत के साथ। जी हाँ, ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह के साथ रहने वाले विशाल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है और इसमें कहा जा रहा है कि भाई मगहिया जवान 5 बार मिलने की कोशिश पवन सिंह से, पावर स्टार पवन सिंह से मिलने के लिए काराकाट गया था, यानी कि जहां पे होटल है वहां पे गया था और उसे मिलने नहीं दिया गया और उसे 5ों बार भगा दिया गया। लास्ट में उसे सिक्योरिटी के साथ भी भगाया गया। अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है, आखिरकार अगर है वो विरोधी, जी हां मगहिया जवान है विरोधी, तो क्या इस तरीके से ये मामला आप बाद में भी विशाल सिंह जी निपटा सकते थे? जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को बड़ा कर दो, आप वीडियो बना दो, तो भाई सवाल तो खड़ा होता है। मगहिया जवान ने सुबह सुबह ही एक पोस्ट किया था पवन सिंह के खिलाफ, यानी कि यूं कहे पवन सिंह के जो पुराने गाने हैं, चोलिया में अटकल परान, ढोड़ी में बियर ढार दी और राते दिया बुता के, और भी 4 गानों का पोस्ट किया गया था, स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। इस पोस्ट के बाद प्रतिक्रिया चालू हुआ, तो अगर पवन सिंह का कोई विरोध कर भी रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा विरोध होना भी तो चाहिए। आप लिटरली एकदम स्टार्डम की तरह सोच रहे, तो नेतागिरी में स्टार्डम नहीं होता मेरे समझ से। फिलहाल प्रतिक्रिया दीजिए, पर इस तरीके से प्रतिक्रिया मत दीजिए कि आप नंबर लीगली आप नंबर शेयर कर रहे हैं मगहिया जवान का। हालांकि मैं मगहिया जवान का हमेशा से विरोध करता रहता हूं, क्योंकि वो जिस तरीके से उलूल जो उलूल बयाने जो सब भोजपुरी के सेलिब्रिटियों के साथ नामकरण जो करता है उससे मैं आहत हूं, लेकिन इस तरीके से चुनावी कैंपेनिंग में, पवन सिंह के चुनावी कैंपेन में इस तरीके से उनके सपोर्टर अगर वीडियो बना के फेसबुक या फिर यूट्यूब पर डालने लगेंगे तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की छवि खराब होने में जरा सी भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में शांत रह के काम किया जाता है मेरे समझ से, और जितनी मेरी समझ है, थोड़ी बहुत जितनी भी समझ है, क्योंकि मैं काफी दिनों से न्यूज कवर करता हूं इसीलिए। और जिस तरीके से विशाल जो पवन सिंह के साथ रहते हैं एग्रेसिवली, जिस तरह के उन्होंने आकर उस टिप्पणी दिया है, वो मुझे लग रहा है कि सरासरी गलत है। इसको हैंडल किया जा सकता था थोड़े अलग तरीके से, और जो मगहिया जवान ने जो पोस्ट किया था वो पोस्ट भी तुरंत उन्होंने डिलीट कर दिया, तो उसके बाद फिर मैटर ही कहा है कि आप इसको थोड़ा लंबा खींचिए। मुझे लग रहा है कि पवन सिंह की जो टीम है उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरीके से अगर गलत मैसेजेस वो सोशल मीडिया पर देंगे, गाना का माहौल अलग होता है कि गाना किसी को पसंद नहीं आया, गाना फ्लॉप कर रहा है तो एक अलग है, सेलिब्रिटी का एक फैन फॉलोइंग होता है, वो बेस अलग होता है, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकल बेस में घुसते हैं तो भाई थोड़ा सा आपको अपमान भी सहना पड़ता है, थोड़ा सा लत्तम जुत्तम भी सहना पड़ता है, और तभी जाके आप एक नेता बनते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी किया है विशाल सिंह ने, थोड़ा उनकी टीम को और जो रिप्लाई दिया जा रहा है वो मुझे लग रहा है सोच समझ के पवन सिंह की टीम को देना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, इससे पवन सिंह की छवि नुकसान होगी या फिर नहीं होगी? जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।